हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑनियन कटिंग कैसे करते हैं। कटिंग स्किल्स आपके बारे में आज बताऊंगा मैं। तो मैं वीडियो शुरू होने का पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा नाम अनिल कुमार, आपको चीफ के ब्लॉग्स में स्वागत है। आपको मैं कटिंग स्किल बताऊंगा, जिसको कटिंग करना नहीं आता वो कटिंग कैसे करना है उसको मैं पूरी जानकारी के साथ बताऊंगा। मुझे इस तरह से हमें ऑनियन को लेना और इस तरह से इसको काट लेना, साइड कैसे हमें काट लेना, और हमें जस्ट इसको ऐसे से ये करना है, ऊपर से ऐसा हमें निकाल देना है, इसको इस तरह से हमें निकाल देना है। तो इस तरह से ऊपर कवर हम हटा लेंगे, आसानी से कवर हटा लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम कवर हटा लेते हैं। पहले हम काटेंगे चॉप, तरह से नाइफ को लेना है इस तरह से, जस्ट पुश इस तरह से लेना है हमें। ऐसे हमें ये इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके अगर ऊपर गया तो उंगली काटने का डर रहता है। और हमें ऐसे रखना है, ऐसे जस्ट होल्ड, और इसको हमें ऐसे करना है, जस्ट स्लोली स्लोली ऐसे इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और इसको ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे इस तरह से हमें काटना है। आप देख सकते हो कितने स्लोली स्लोली कट रहा है। फिर इसको हम से दो पीस कर लेंगे और इसको इस तरह से हम काटेंगे। कितने आराम से कट रहा है देख रहे हैं। मैं आपको सिखा दूंगा कटिंग करना। इस तरह से कर लेना हमें। आप देख सकते कितना फाइन हुआ है इस तरह से। उसके बाद हम कटिंग करेंगे जूलियन। जूलियन किस तरह से कटिंग करते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब काटेंगे हम जूलियन, इसको इस तरह से दो पार्ट कर लेंगे और इसको इस तरह से हमें ले लेना है। बहुत ही आसान तरीके से कटेगा, ये देखो कैसे हो रहा है जूलियन, देख सकते हैं आपको इस तरह से हमें काट लेना है। देख रहे हैं कैसा जूलियन हुआ, ये देखो इसको हम जूलियन बोलते हैं। जैसे हमें पनीर चिल्ली बनाना है या कुछ बनाना है, जैसे हमें कढ़ाई आइटम बनाना, तो उसको हम कटिंग इसके लिए ऐसे करेंगे इस तरह से, और फिर इसको हम इस तरह से काट लेंगे, फिर इस तरह से करेंगे ऐसे, हमारा एक एक पीस निकल आएगा ऐसे। ये देखो आसानी से निकल रहा है, सारे ऐसे पीस हम निकाल लेना। जैसे हमें कढ़ाई का आइटम बनाना है या पनीर का आइटम बनाना है कुछ हमें अलग से, तो हमें इस तरह से कटिंग करना। आपको अब दिखाऊंगा डाइस कट कैसे काटते हैं। जूलियन कैरेट में काटना, तो हम कैरेट ऐसे फिल कर लेंगे मैच स्टिक लेंथ में, और इसको इस तरह से फिल कर लेंगे। उसके बाद हम इसको दिखा रहे हैं कैसे कटिंग करना है। इसको हम इस तरह से साइड का हटा लेंगे ऐसे, इसको इस तरह से लेंगे, बहुत ही आसानी से कटेगा। और इसको इस तरह से लेके इस तरह से हम फोल्ड कर लेना, और इसको जस्ट ऐसे रखना। तो इसको हमें इस तरह से नाइफ को चलाना है, स्लोली स्लोली नाइफ हमारे ध्यान रखना है, हमें इसके ऊपर नाइफ नहीं लेके जाना है। नाखून के ऊपर इसके ऊपर अगर नाइफ गया तो उंगली सट से ऐसे कटेगी, इसलिए हमें केयरफुली इसको करना, बहुत स्लोली स्लोली। बहुत आसान है कटिंग करना, इतना मुश्किल नहीं है। इस तरह से हम कटिंग काट लेंगे, देखो आप। तो हमें साइड कैसे काट लेना, तो उसको हम जैसे हमें डाइस कट काटना, तो हम इसको इस तरह से साइड का निकाल लेंगे, फिर इसको हम इस तरह से साइड का निकाल लेंगे दोनों तरफ से। उसके बाद हमें इसको एक पार्ट करेंगे, इसका दो पार्ट करेंगे आसानी से, इसको दो पार्ट कर देंगे ऐसे, और इसको ऐसे स्लोली इसे काटना है। ये हमारा डाइस कट हो गया, इस तरह से हमें काट लेना है। देख सकते हैं कटिंग,
हमारा डाइस कट हो गया। अब मैं आपको दिखाऊंगा लेमन वेजेस कैसे काटते हैं। इस लेमन को दो पार्ट करेंगे बिना वेस्टेज, और इसको इस तरह से हम बीच से ऐसे ले लेंगे। इस तरह से हमें काट लेना है, और इसको भी इस तरह से हमें ले लेना है। बहुत ही आसान है बिना वेस्टेज के, और इसको हल्का सा ऐसे हम पुश करेंगे नो सीड से। आप देख सकते हैं बिना सीड के किस तरह से हमने निकाले बिना वेस्टेज के। इसी तरह से हम सारे निकाल लेंगे। बिना सीड का सीड रह भी जा रहा है तो उसको हम नाइफ से आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से हमें निकाल लेना है। देखो हमने सारे सीड्स रिमूव कर लिया है, इसको हम दिखाते हैं आपको। इस तरह से हमने सारी कटिंग कर लिया। आप देख सकते कितनी आसानी से, कितने अच्छे से हमने कटिंग कर लिया है।